मैं नागमनी कुमार और वेलकम इन माय चैनल सिग्नल इंजीनियर्स। एंड आज का टॉपिक है क्वाड केबल। मींस क्वाड केबल क्या है, आपको मैं बताऊंगा क्वाड केबल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखिए, मेरा जो चैनल है सिग्नल इंजीनियर्स, इसके माध्यम से मैं आज क्वाड केबल मींस क्वाड केबल जो होता है वो कम्युनिकेशन विदाउट एनी लॉस या मिनिमम वेरी मिनिमम लॉस, ये मतलब कम्युनिकेशंस करता है, मतलब समझो कि इसमें लॉस ना के बराबर होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं क्वाड केबल को, रेलवे, मेट्रो, आपका एक्सल काउंटर्स, ट्रैक, इमरजेंसी सर्किट्स, इस जगह पे यूज़ करते हैं क्वाड। और क्वाड आपको केबल ही होता है, पीवीसी केबल होता है, ग्राउंड अंडरग्राउंड केबल। तो इसको मैं हर चीज़ों को डिटेल से बताऊँगा, इसकी यूज, इसके कलर कोडिंग्स, इसको कलर को कैसे पहचानते हैं, फिर जो क्वाड केबल होता है इनका जो कंस्ट्रक्शंस होता है केबल का वो, फिर सारा मतलब प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट है व्हाट इज क्वाड केबल, मींस क्वाड केबल क्या होता है, हमने बताया एक कम्युनिकेशंस केबल है। उसके बाद टाइप्स, तो क्वाड केबल दो तरह के होते हैं, एक फोर क्वाड, एक सिक्स क्वाड जो अभी यूज हो रहा है। और फोर क्वाड है उसमें मतलब एक क्वाड मतलब फोर कंडक्टर, तो फोर क्वाड तो फोर इंटू फोर मीन्स 60 कंडक्टर, मतलब 16 कंडक्टर हो गया। और पेयर उसको बनाएंगे तो पेयर 8 पेयर हो गया, वो फोर क्वाड का। उसके बाद हम सिक्स क्वाड में आते हैं, तो सिक्स क्वाड में 4 × 6 12 कंडक्टर एंड सॉरी 24 कंडक्टर एंड 12 पेयर हो गया। उसके बाद केबल कंस्ट्रक्शंस मीन्स जो केबल्स होते हैं फोर क्वाड, मैंने पीपीटी में उसको मैंने दिखाया हूँ पीपीटी में कैसे करते हैं। और उसके बाद देखिए, उसके एक सबसे जैसे होता है, फर्स्ट है फिलर्स, फिलर मतलब नीचे का पार्ट होता है उसमें केबल, मतलब वो बेस है। उसके बाद जैकेटिंग होता है, जैकेटिंग में क्या करते हैं केबल को कवर करते हैं, आर्मर, आर्मर एल्युमिनियम का दिया हुआ रहता है कि अर्थिंग करने के लिए भी देते हैं आर्मर को और सेफ्टी के लिए भी। उसके बाद इंटरमीडिएट सीथ, वो भी मतलब सेफ्टी के लिए, स्क्रीनिंग एंड प्रोटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड प्रोटेक्शन उसमें जेली रहता है, इनर सीथ, इनर करते हैं। फिर उसके बाद मॉइस्चर बैरियर, जो मॉइस्चर उसको रोकने के लिए फ्लोटिंग कंपाउंड, कंपाउंड्स भरते हैं जैसे जेली कंपाउंड भरते हैं। कोर ब्रैपिंग, कोर को निकालने के लिए वो ब्रैप किया हुआ रहता है। कोर फिलिंग कंपाउंड, कोर को भी फिलिंग करते हैं। उसके बाद इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, मीन्स इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर होता है जो दिया हुआ रहता है केबल कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हम आगे आते हैं टेक्निकल्स डिटेल्स, मीन्स टेक्निकल्स डिटेल क्या होता है क्वाड केबल का। तो टेक्निकल्स डिटेल में हम आ गए हैं, फर्स्ट है कि जो उसका कोर होता है वो कॉपर का होता है, और उसके जो डायमीटर होते हैं एक 0.9 mm का होता है, एक 1.4 mm डायमीटर्स होते हैं। लूप रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम मल्टीमीटर से उसको नापेंगे एक एंड से दूसरे एंड, तो लूप रेजिस्टेंस 56 ओम होगा। लॉस पर किलोमीटर 14.63 dB पर किलोमीटर। और जो ये केबल सूटेबल है, एसी सिस्टम 1100 वोल्ट तक एंड डीसी 1500 वोल्ट टू अर्थ तक है। ये मतलब इसका टेक्निकल डिटेल्स हो गया, और इसको मैं पीपीटी में भी दिया हूँ। उसके बाद हम आते हैं कलर कोडिंग। तो जो क्वाड्स होते हैं फोर क्वाड सिक्स क्वाड, तो हम फोर क्वाड मतलब फोर क्वाड ये हो गया और सिक्स क्वाड यहाँ तक हो गया। तो इसके कलर कोडिंग में आते हैं, तो सबसे फर्स्ट जैसे मान लिया कि कोर है, तो ऐसे कोर हुआ, इसमें 1 2 3 4, तो एक कोर ऐसा करके फोर क्वाड है तो फोर हो जाएगा, सिक्स है तो सिक्स हो जाएगा। तो कोर पहचानने के लिए कि कोर नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, उसको पहचानने के लिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट कोर होता है वो ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद उसका दूसरा जो कंडक्टर होगा वाइट होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, मतलब वो कोड क्वाड नंबर 1 हो गया, क्योंकि टर्मिनेशंस करने के लिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा हो गया ब्लू, ब्लू के साथ वाइट, रेड, ग्रीन, उसी तरह तीसरा ब्राउन, इसके साथ ये तीनों हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट कोर होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी जो तीन होते हैं कंडक्टर वो सेम होते हैं, मतलब वाइट, रेड एंड ग्रीन है जो कॉमन कंडक्टर है। तो थर्ड में हो गया ग्रीन, ग्रीन के साथ वो तीनों, फिर येल्लो, येल्लो के साथ वो तीनों, उसके बाद ब्लैक, मतलब ब्लैक के साथ वो, ये मतलब 6 का हो गया, 4 तक तो ग्रीन तक, मतलब ये हम कलर कोडिंग देख के हम पहचान जाएंगे कि मतलब कैसा है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट आते हैं यूज,
मतलब यूज क्या है, उपयोग क्या है क्वाड केबल का। तो क्वाड केबल का देखिए, पहला तो ये कम्युनिकेशंस केबल है विदाउट लॉस के लिए, तो बहुत रेयर जैसे फ़ोन है तो वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है फ़ोन का बिना लॉस के होना चाहिए। उसके बाद एक्सल काउंटर्स, इमरजेंसी सर्किट, यहाँ पे इनकी यूज है। उसके बाद हम आते हैं, जब केबल होता है, जब लेइंग करते हैं तो ग्राउंड केबल, ग्राउंड में लेइंग किया जाता है। ग्राउंड में लिंक किया जाता है तो उसमें देखिए, जब ज्वाइंट, जैसे मान लीजिए कि जो केबल ड्रम होता है वो 1 किलोमीटर का होता है, केबल ड्रम अपना 1 किलोमीटर का होता है, मतलब 1,000 मीटर। तो उनको हमको जैसे लॉन्ग सेक्शन चाहिए तो वहाँ पे हमको ज्वाइंट ही करना पड़ेगा, कहीं कहीं केबल कट गया तो वहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो जो ज्वाइंट्स होता है वो 3 तरह के करते हैं, डेरिवेशंस, नॉर्मल ज्वाइंट एंड टर्मिनेशंस ज्वाइंट, ये हो गया ज्वाइंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशंस, मतलब जब सारा हो गया, तो जब केबल बनता है तो कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस होते हैं। उसमें जैसे केबल का, जैसे केबल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें जब आ गया तो ड्रम पैकिंग, पैकिंग डेट जो स्टैंडर्ड हो गया वो, उसके बाद कलर कोडिंग, सारे एक ड्रम पे लिखा होना चाहिए या उसके मतलब स्टैंडर्ड पे। उसके बाद पैकिंग होता है, फिर उसके बाद स्टोरिंग, मतलब स्टोर करते हैं यार्ड में या कहीं भी फैक्ट्री में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया क्वाड केबल, फर्स्ट हमने आपको क्वाड केबल का डिफिनेशन बताया, दूसरा टाइप्स बताया, फिर केबल कंस्ट्रक्शंस बताया, उसके बाद टेक्निकल डिटेल्स, उसके बाद कलर कोडिंग, उसके बाद यूज क्या होता है, और फिर ज्वाइंट्स कितने तरह के होते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बेसिक स्पेसिफिकेशंस, पैकिंग एंड स्टोरिंग, ये सब हो गया। और ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ इसको मैं मतलब PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझो कि उसको, मतलब वो भी मैं उसको सामने, ऑडियो के सामने हमने किया है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।